आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। चतरा सदर पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर 19 किलोग्राम डोडा के साथ एक तस्कर कामेश्वर गंजू को गिरफ्तार किया। छापामारी टीम का नेतृत्व सिमरिया एसडीपीओ वचन देव कुजूर कर रहे थे। इस आशय की जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक लव कुमार ने आज शाम सदर थाने में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के कोरचा गांव का कामेश्वर गंजू ने अपने घर में डोडा छिपा कर रखा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई में घर में छिपा कर रखे गए दो प्लास्टिक बोरा से 6 किलोग्राम तथा एक अन्य बोरा में रखा गया 13 किलोग्राम डोडा बरामद किया। थाना प्रभारी ने बताया कि इसके अलावा तस्कर के घर के पीछे वाली जमीन पर लगे 50 से 60 गांजे के पौधे भी बरामद किए गए। इसमें से 5 पौधे जब्त कर लिए गए हैं तथा अन्य को भी नष्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 4 माह से पुलिस की गिरफ्त से फरार एक अन्य अफीम तस्कर रामलाल गंजू को भी थाना क्षेत्र के लरकुआ मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर के घर से 20 किलो अफीम की बरामदगी की गई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के बाद गिरफ्तार दोनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दिनांक 26 तारीख को विशेष छापेमारी के दौरान में गुप्त सूचना मिली थी कामेश्वर गंजू के यहाँ अवैध रूप से डोडा रखा हुआ है, जिसे धर पकड़ है तो मंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया नेतृत्व में टीम बनाई गई और तत्काल कार्रवाई किया गया, जहाँ से 2 बोरी में कुल 19 के डोडा का बरामदगी हुआ और उनके बारी में लगाया गया गांजा के पौधा 5 कुछ बरामद हुआ, जिसे विधवा जब्त सूची बनाकर जब्त किया गया है और थाने दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कोविड जाँच सूची भेजा गया था, कोविड रिपोर्ट आ गया है, उसके बाद आप लोगों को बता दें इन लोगों को माननीय न्यायालय के यहाँ भेजा जाएगा। और साथ ही पुराना फिराद चल रहे कर की गई है, साथ ही पुराना फिराद चल रामलाल गंजू एनडीपीएस का है, जिनके ऊपर पूर्व में 20 केजी जिनके घर से अफीम मिला था और उसमें चकमा देकर भाग गए थे, जिनकी भी गिरफ्तारी की गई है। दोनों व्यक्ति को कोविड जाँच कराया जा रहा है, कराने के बाद जेल भेज दिया जाएगा।